हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नंबर सिस्टम के जितने भी लेक्चर हुए उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी। हमने एक एक कंसेप्ट को और क्वेश्चंस को आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक? तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आज भी हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, है ना? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे और दूसरे बच्चे जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस नए इनिशिएटिव के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी जान जाएंगे और वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्त? तो शुरू किया जाए, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू कैसे करेंगे आज का लेक्चर, वो है क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने, विच ये जो क्वेश्चन आज करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग, अंडर रूट ऑफ 3, इसको कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। सेकेंड 2/0, थर्ड पाई, फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वो है आपका 0/3। चलिए बताइए कौन बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। गिवेन नंबर्स में से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। उम्मीद है आप लोग सही आंसर बताए होंगे। चेक कर लीजिए √3, अंडर रूट के अंदर कोई भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर होगा तो वो कैसा होगा? इरेशनल। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रेशनल नंबर के लिए पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दिख रहे हैं इंटीजर्स हैं, बट क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, सबको पता है। यहाँ पे देखिए 0/3 को हम लोग 0 भी लिखते हैं। ऐसे भी जज कर सकते हैं कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन फोर क्या होगा आप लोगों का? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 0.23 bar प्लस 0.22 bar। चलिए 0.23 bar प्लस 0.22 bar। अच्छा 0.22 bar जो लिखा हुआ है उसको 0.2 bar भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, होनी भी नहीं चाहिए।
क्वेश्चन है आपका 0.23 बार प्लस 0.22 बार, ऑप्शन आप ले लीजिए 0.46 बार, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.44 बार, थर्ड ऑप्शन है आपका 45/90, फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.45 बार। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। देख लें सब चीज़ आपको क्लियर दिख रही है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। अच्छा 23 का बार हमने बताया था कि अगर डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल के जस्ट बाद अगर नंबर रिपीट होना स्टार्ट करते हैं तो कुछ नहीं डिनोमिनेटर में आ जाता है सीधे 99। 99 क्यों आ जाता है, डेसिमल में आता है 9 का फॉर्म, 99 क्यों, क्योंकि दो डेसिमल के बाद दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक, प्लस क्या करना है ऐड आपको 22/99। अच्छा एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे कि आप दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 2 बार होता तो आंसर क्या आता, 2/9, लेकिन अगर 2 बार है तो आंसर क्या आएगा 22/99। और 2/9 और 22/99 क्या ये 2/9 और 22/9 क्या दोनों इक्वल होते हैं। बताइएगा क्या 2/9 और 22/9 अगर हम ऐसे लिखें, देखिएगा 2/9 अगर हम ऐसे लिखें और हमें 2 को 22 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 22 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को अगर 99 बनाना है फिर भी हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, यानी 11 2 ज़ा 22, 11 9 ज़ा 99, यानी 2/9 और 22/9 में कोई डिफरेंस नहीं है, 2/9 और 26/9 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आ गया आपका 45/99, नीचे है 99 का फॉर्म तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45 बार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उम्मीद है आप लोगों को नंबर सिस्टम के जो भी लेक्चर हुए उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रही होगी, है ना। नंबर सिस्टम के जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें आप बच्चों को, आप मेरे प्यारे दोस्त में से किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता देंगे, है ना। मैं उनकी प्रॉब्लम, मैं उनकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, नॉट अप टू द 100% बट 99.99% मैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, दूसरा चौक लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, क्या कॉन्जिक्यूटिव छिछी, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन
नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज इन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज इन 2 की पावर 3, 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। यानी इस नंबर के लास्ट ही बात हो रही है, इस नंबर के लास्ट में कितने नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज होंगे बताइएगा आप। कौन बताएगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, कौन बताएगा आंसर, देख के कमेंट मत करिएगा, पहले कमेंट करिए, पहले कमेंट करिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, बताएं हम क्यों, चलिए अच्छा, जीरोस हमें चाहिए जीरो, ठीक है। तो जीरो के लिए हमें चाहिए क्या, 10। यानी अगर किसी नंबर में 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, तभी उस नंबर के लास्ट में जीरो आने की पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज कोई भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे जीरो आने की नहीं होगी, है ना मेरे प्यारे दोस्त। बात समझ में आ गई, ठीक। तो अगर बात समझ में आ गई है तो आप यहाँ पे 10 की फॉर्म बनाइए, 2 की पावर 3। 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 से बनेगा, लेकिन 5 की पावर तो 4 है, तो ऐसे लिख लिया 5 की पावर 3 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, इंटू 7 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे इसके आगे लिख देते हैं, पूरे बोर्ड का यूज़ करते हैं, हर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। आगे आप लोग फार्मूले को पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, 2 इंटू 5 यानी 10, ये हो गया आपका 10 का क्यूब, 10 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कभी भी ज़ीरो की फॉर्म नहीं आएगी, ज़ीरो की फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि 10 का फॉर्म यहाँ पे बनता हुआ कहीं से भी दिख नहीं रहा है। तो ये जो पूरा नंबर, ये जो लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000। इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया के, क्या मान लिया के, इसको मान लिया क्या, हमने के मान लिया। और जो के है, के क्या है, के क्या है, के कैसा है, के कैसा है, कैसे के और कैसे कैसा है, के कैसा है, के डज नॉट इक्वल्स टू, के जो है वो डज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 10, एम या एन की फॉर्म लिख लीजिए, 10 एम या एन की फॉर्म में के नहीं है, यानी के में 10 का कोई भी मल्टीपल छुपा हुआ नहीं है। और एम क्या है, बिलोंगिंग्स टू, एम बिलोंगिंग्स टू क्या है, इंटीजर, एम बिलोंगिंग्स टू आई, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। तो क्या, के डज नॉट बिलोंग्स टू 10 एम, वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर। एम क्या होगा, एम किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर, इंटीजर के अलावा रैशनल या इरेशनल को बिलोंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर हो जाएगा तो 10 कैंसिल आउट भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है नीचे 1/√2 आ गया तो भी 10 कैंसिल हो सकता है, 2√5 आ जाएगा या 5√2 आ जाएगा, ठीक है। तो m belongings to क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन अब यहाँ पे लिख लीजिए, ऑप्शन 1 है। अब आप आंसर बता सकते हैं कितने जीरोज आएंगे, ऑप्शन 1 है 4,
ऑप्शन टू है 3, ऑप्शन थर्ड है 2 और ऑप्शन 4 है 1। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 3। आंसर आ जाएगा क्या आपका? 3, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लास्ट में कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं ना? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को? मैं देख लूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताल से ताले मिला, ओ ताल से ताले मिला। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। गाना मत गाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इरेशनल, क्या इरेशनल? फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर निकालिए। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 2, सेकेंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन अंडर रूट ऑफ 7, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का अंडर रूट ऑफ 5, फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का अंडर रूट ऑफ 10। बताइए, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर आपको बताना है। कौन बताएगा? कौन मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है? वो मेरा प्यारा सा स्टूडेंट मुझे समझ रहा होगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ। कौन मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? चलिए, हमने बताया था कि इरेशनल नंबर अगर दो नंबर्स के बीच में पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ऑफ ए बी। हालांकि उन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं और बहुत सारे रेशनल नंबर भी होंगे, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे? रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। बट अंडर रूट ऑफ ए बी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ये अगर एक आपसे पूछ रहा है, मतलब वन एक आपसे अगर इरेशनल नंबर पूछ रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपसे ज्योमेट्रिक मीन निकलवाने की वो चाह रहा है, तभी आपसे वो कह रहा है कि आप क्या निकालिए? इरेशनल नंबर निकालिए। और ऑप्शन में आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा कि दो ऑप्शन इन दोनों के बीच में हों और एक ज्योमेट्रिक मीन से निकले और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन से ना निकले। ऑप्शन वही आपको देगा जो आपका ज्योमेट्रिक मीन से निकलने वाला होगा, अदरवाइज वो या तो ज्योमेट्रिक मीन का सोचेगा ही नहीं। फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 2.5 और ये क्या हो गया आपका? अंडर रूट ऑफ 5। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, अंडर रूट ऑफ 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इज नेचुरल नंबर, इफ एन इज नेचुरल नंबर देन अंडर रूट ऑफ एन विल बी ऑप्शन है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन है आपका रैशनल नंबर। थर्ड है ऑप्शन नेचुरल नंबर। फोर्थ है ऑप्शन आपका नेचुरल और इरेशनल। देख लें यहाँ तक क्लियर दिख रहा है सब कुछ? यस, सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, सिर्फ आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, और वो आंसर आप लोगों को बताना है तुरंत। कौन स्टूडेंट बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन बताएगा जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इफ एन इज नेचुरल नंबर है, एन क्या है? नेचुरल नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ एन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एन वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, अच्छा, एन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ है कि एन वन से स्टार्ट है। तो अगर वन से स्टार्ट होगा तो या तो उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ सकता है या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर आता है, सपोज दैट इसके अंदर आप 4 लिख दिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसके अंदर आपने लिख दिया 25 तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये सब कैसे निकलना है? नेचुरल निकलना है, नेचुरल निकलना है, नेचुरल। लेकिन अगर इसके अंदर नॉन परफेक्ट नंबर आ गया, जैसे अंडर रूट ऑफ 19 कह दिया, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जैसे अंडर रूट ऑफ 18 कह दिया तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो नेचुरल और इरेशनल, ये आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? सब नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, इस घर में खुशहाली आए, घर में तुम्हारी शादी हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। वो टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स। ये क्या है? एक्सपोनेंट्स का लेक्चर है 1। फर्स्ट लेक्चर आज शुरू करेंगे एक्सपोनेंट्स का।
किसका लेक्चर शुरू करेंगे? एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स मीन्स घातांक, घातांक। करड़ी के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाएगा, सर्ट्स के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। सर्ट्स के बारे में डिस्कशन इसी एक्सपोनेंट के ही चैप्टर में आपको आगे मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए, ए ए क्या है? रियल नंबर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर, मतलब ए भी है, रियल नंबर है, ए है। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, नहीं समझ पा रहे हो तो हटा दीजिए सब, अभी नेक्स्ट लाइन में आपको हम समझा देंगे, ये सब हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सेंटेंस में ही कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ रियल नंबर। ठीक, अच्छा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए की पावर एन, ए की पावर एन, इसको हम लोग क्या, इसका मतलब हुआ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 कहाँ तक? अप टू एन टाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका अप टू एन टाइम्स? क्या मतलब हुआ इसका अप टू एन टाइम्स? ठीक, और जहाँ पे ए, ए क्या है? ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। चूँकि हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं, यानी जो पावर होगा जो पावर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी जो एन बिलोंगिंग्स टू है वो कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर। कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? ए क्या है? रियल नंबर। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये है इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, तो इसका क्या मीन्स हुआ? इसका मीन्स ये हुआ। ठीक, हम लोग आगे नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल की जहाँ पे क्या रैशनल पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रैशनल में तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, ए की पावर अगर 1/2 है तो हम थोड़ी लिखेंगे, ए को आधा बार थोड़ी लिख देंगे। हैं, अब ए की पावर 3 है तो ए को 3 बार हमने लिख दिया, अब ए की पावर 1/3 है तो ए को कितनी बार लिखेंगे? 1/3 बार लिखेंगे। 1/3 लिख के दिखाओ जरा, ए को 1/3 टाइम से लिख के दिखाओ, कौन है लिखाए, लिख के दिखाएगा? 2 को 1/3 टाइम्स लिख के दिखाइए, 2 की पावर 1/3 इसको 2 को 1/3 टाइम्स लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे आप? ये लिखिए सर, अभी पूरा 2 नहीं बनाए हैं, ये देखिए, ये देखिए, 1 ये 2 ये 3 ये, तो ये क्या हो गया 2 का 1/3 ये है, तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई। इसलिए हम लोग अभी रैशनल पावर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इसी में लिख लीजिए नेक्स्ट नीचे नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, पावर ऑफ, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो वीडियो को 2x पे देखते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर। कृपया वीडियो को इत्मीनान के साथ देखें, इसे 2x या 10x पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इत्मीनान से देखें, एक एक स्टेप, एक एक कंसेप्ट को पकड़ते हुए चलें। ये जो आज छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कल वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो,
आपके लिए हर एक कंसेप्ट आगे के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेगा आगे के लिए। आज आपको ये कंसेप्ट छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप हाई करके रह जाएंगे, आपके सामने कुछ नहीं बचेगा पछताने के अलावा। निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ रियल नंबर, तो हमने लिखा a की पावर माइनस n, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/a की पावर n, या इसको 1/a की होल पावर n भी लिखा जा सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम क्या यहाँ पर लग रही है? लग रही है? नहीं ना। ए क्या है? ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव, यस पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस आई, पॉजिटिव इंटीजर एन बिलोंग्स टू प्लस आई। अब एन बिलोंग्स टू प्लस होगा तभी तो ये पूरा नंबर आपको निगेटिव मिलेगा, ये पूरा नंबर आपको निगेटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये निगेटिव इंटीग्रल पावर है, वो था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो सर जीरो कहाँ फंस गया? जीरो कहाँ फंस गया? बेचारा जीरो कहाँ रह गया? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो हो गया, निगेटिव इंटीग्रल पावर तो हो गया, ज़ीरो क्यों नहीं हुआ? बेचारे जीरो से क्या दुश्मनी? ज़ीरो का आविष्कार तो इंडिया में हुआ था, तो उससे काहे की दुश्मनी? काहे की दुश्मनी? ज़ीरो कहाँ रह गया बताइए, ज़ीरो कहाँ रह गया? यानी ए की पावर ज़ीरो कहाँ रह गया? ए की पावर ज़ीरो मीन्स किसी भी रियल नंबर की पावर ज़ीरो का मतलब होता है वन, ज़ीरो का मतलब होता है वन। अभी आगे इसका प्रूफ भी आएगा कि ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। लेकिन ए क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कैसा रियल नंबर होना चाहिए? नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो हो जाएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। फिर हम उसमें लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए लिमिट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़? लिमिट का। वो अभी आप नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट क्या उनको है? हमारे ख्याल से, मेरे व्यूज के हिसाब से ऐसा आप लोगों को नहीं होगा। क्यों जी क्यों? बात आ गई समझ में? आप लोगों के लिए हमें हाथ से ही इसको रब करना पड़ा है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम तैयार हैं। लिखिए लॉज ऑफ, क्या सर? एल लिखें कि एच लिखें? समझ में ही नहीं आ रहा है। लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। हालांकि हम लोग इस जो लॉज हम बताने जा रहे हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट के लिए, वो आपके रैशनल एक्सपोनेंट में भी वैलिड होंगे, लेकिन रैशनल बेचारा वो है ही रैशनल, इसलिए उसकी चर्चा, उसका डिस्कशन हम आगे ही करेंगे, अलग से करेंगे। कुछ और उसमें इम्पॉर्टेंट और यूनिक लॉ उसमें और ऐड करेंगे इरेशनल में, इंटीग्रल के साथ साथ। तो फर्स्ट लॉ, दिस इज नॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दिस इज नॉट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और दिस इज नॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो पता चल गया, बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ
इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो बच्चे कह रहे हैं सर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो वो अपने स्टेट को क्या करेगी, मेंटेन, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ऐसा यहाँ पे न्यूटन साहब का यहाँ पे नियम नहीं चलेगा, फर्स्ट लॉ की है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, बेस सेम तो पावर क्या होंगी, ऐड। कोई प्रॉब्लम इस लॉ में आप लोगों को है क्या, कोई प्रॉब्लम इस लॉ में आप लोगों को है क्या, है क्या, क्या है, है क्या, है नहीं ना? ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन प्रूफ करना उन्हें नहीं आता है, बच्चे प्रूफ से ही डरते हैं। लेकिन मैं सबका प्रूफ देता हुआ चलूँगा, क्योंकि बच्चे प्रूफ से डरते तो हैं लेकिन मांगते प्रूफ ही हैं, प्रूफ से डरते तो हैं लेकिन मांगते क्या हैं, प्रूफ ही। तो प्रूफ हम देंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को इत्मीनान नहीं होगा कि सर ये क्या लिख दिए हैं, ये जो लिख दी हम मान लें, ये जो लिख दिया गया वो हम मान लें क्या, ना 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 ना, हम तो मानने वाले नहीं हैं, हम तो हैं ज़िद्दी इंसान, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ। अच्छा, ए की पावर एम, इसका मीन्स क्या हुआ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, एम टाइम्स, एम टाइम्स, यानी ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसी में अभी भी ए को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, एन टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे ए जो है कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एम टाइम्स, अभी भी ए ही मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी टाइम्स, एन टाइम्स, यानी कि ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, एम यहाँ पर, एन यहाँ पर, यानी एम प्लस एन टाइम्स जो है ए मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ए कितनी टाइम, जैसे अगर यहाँ पे मान लिया टू है तो हम लोग क्या लिख दिए, ए इंटू ए लिख दिए, और वहाँ पे कितना है, यहाँ पे थ्री है मान लिए, तो ए इंटू ए इंटू ए लिख दिए, यानी हमने ऐड ही तो किया, दो यहाँ पे तीन यहाँ पे, यानी ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे ही एम टाइम्स यहाँ पर है, एन टाइम्स यहाँ पर है, तो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एम प्लस एन टाइम्स। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर एम एन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपका हो गया है प्रूफ्ड। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या, बताइए, लेट मी चेक कि एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बात आपके समझ में आ ही रही है ना, कि ए क्या है, रियल नंबर, एम क्या है, इंटीजर्स है, एम क्या है, इंटीजर्स है, ठीक, बात समझ में आ रही है। ए बिलोंग्स टू आर एंड एम एंड एन बिलोंग्स टू व्हाट, व्हाट, एम और एन किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इस पे इंक्लूड होगा, ठीक है, जीरो तब इंक्लूड होगा जब यहाँ पे आर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो कि यहाँ से या तो जीरो हटाइए या तो यहाँ से जीरो हटाइए, कहीं से आपको जीरो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो की पावर जीरो की फॉर्म बननी नहीं चाहिए। आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल्स टू बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट ए की पावर एम माइनस एन। लेकिन सर हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, हम हैं जिद्दी इंसान और हमें दीजिए आप प्रूफ। लेकिन प्रूफ देने से पहले हम कहेंगे कि आप इसमें लिख लीजिए केस फर्स्ट, पहला मुकदमा दायर हो चुका है। और वो क्या है कि अगर m ग्रेटर देन n होगा तब फिर क्या होगा, m ग्रेटर देन n है तब फिर क्या होगा। अच्छा, a की पावर m का मतलब क्या हुआ, a इंटू a इंटू a इंटू a, कहाँ तक m टाइम्स, इसका मतलब यही हुआ। डिवीजन का ये जो लाइन है डिवाइड कर दिया एक इंचू ए इंचू ए डॉट कहाँ तक, एन टाइम्स। अब देखिएगा एम चूंकि एन से बड़ा है तो क्या होगा, नीचे के सारे ए ऊपर के कुछ ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट काट देंगे। और क्या, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे के सारे ए ऊपर के कुछ ए को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ऊपर ही तो ए बचेगा, तो ए ऊपर ही बचेगा और ऊपर कितना ए बचेगा, एम माइनस एन बचेगा, ए की पावर एम माइनस एन। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लेकर के हमें मैसेज कर दिया करें, बता करके कि सर इस स्टेप में हमें प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दीजिए सर, प्लीज़ 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 बता दीजिए। हम अच्छे बच्चों की मदद ज़रूर करेंगे, गंदे बच्चों की मदद हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम गंदे बच्चों की मदद नहीं कर पाएंगे, अच्छे बच्चों की मदद हम हमेशा करते रहेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो वास्तव में अच्छे हैं, सिर्फ पढ़ लेने से इंसान अच्छा नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई कर लेने से इंसान अच्छा नहीं होता है। पढ़ाई आती है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है रेस्पेक्ट डिसिप्लिन। ठीक, आपके अंदर सामाजिक गुण होने बहुत आवश्यक हैं। पढ़ाई कोई सामाजिक गुण नहीं है, पढ़ाई एक व्यक्तिगत गुण है। पढ़ाई क्या है, व्यक्तिगत गुण है। आपके अंदर सामाजिक गुणों का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाहर जब आप घर से निकलेंगे तो आपके काम आएगा आपका सामाजिक गुण। अगर वो गुण अवगुण है तो फिर आप सामाजिक इंसान नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है केस सेकेंड। केस सेकेंड, m इज इक्वल्स टू n अगर m बराबर n हो। ठीक, m इज इक्वल्स टू n हो तो हम यहाँ पे फिर से एक बार लॉ लिख दे रहे हैं, आपको दिखना चाहिए लॉ। जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप परेशान हो जाएंगे। तो फिर से क्या मतलब, अरे m इज इक्वल्स टू n है, m इज इक्वल टू n है तो n को भी तो m भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया क्या, 1। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी कहना चाह रहे हैं आपसे, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। 1 तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या था, a की पावर m माइनस n, यानी a की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस m दैट इज इक्वल्स टू a की पावर 0।
और यहाँ से निकल के आया कि a की पावर 0 क्या होगा, 1। संदूक में कर दीजिए बंद। a कहाँ है, a belongs to real number except 0, a belongs to real number except 0, यहाँ तक बात समझ में आ गई। a belongs to real number except 0 यानी 0 की पावर 0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म। में बड़े कर दे हैं को हटाइए। समझ में आ रहा है किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना? दिल्ली ये कहाँ है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जाने मेरे दिल में, मेरा या तिहाड़ कर लो, मेरी धड़कनों को समझो। केस थर्ड, केस थर्ड, तीन तीन मुकदमे चल चुके हैं इस बेचारे पर। वो क्या है कि m less than n, एम लेस देन एन आपको दिखना चाहिए लॉ, ये हमने क्या लिखा था, इस बार ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो ऊपर वाले सारे नीचे वाले के कुछ को काटेंगे तो बचेगा नीचे कुछ, नीचे बचेगा क्या, कुछ, और वो कुछ क्या बचेगा, n ग्रेटर देन m है तो नीचे ही बचेगा, नीचे a बचेगा, वो a क्या होगा, n माइनस m, नीचे ही a बचेगा और n माइनस m बचेगा नीचे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस ऑफ m माइनस n, और हमने आपको बताया था कि a की पावर निगेटिव इंटीग्रल पावर में बताया था कि ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस ऑफ m माइनस n, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। यानी कि केस कोई सा भी हो, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा क्या, a की पावर m माइनस n, ठीक। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक कि सब कुछ क्लियर है। सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। वायर बचाना पड़ता है। एक बारिया भी जाया, एक बारिया मैं दुनिया भुला दूंगा तेरे चाहत में, दुनिया। सर गाया मत करिए, क्योंकि ना सुर है ना ताल है, ना सुर है ना ताल है, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ओ।
थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, वो क्या है थर्ड लॉ? थर्ड लॉ ए की पावर एम होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एन और ए की पावर एन एम, और ऐसे भी लिख सकते हैं एन एम, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चाक बदलने दीजिए हमको। प्रूफ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्रूफ को, ध्यान से समझिएगा प्रूफ। ए की पावर एम का क्या मतलब हुआ, यानी ए को कहाँ तक मल्टीप्लाई किया गया है, ए को कहाँ तक मल्टीप्लाई किया गया है, एम टाइम्स, कहाँ तक एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया ए को, ठीक है। और इस पूरे जो डिब्बे में बंद है ना, डिब्बा बंद ये खाना है, और डिब्बे में जो बंद है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अभी भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हम मल्टीप्लाई का निशान लगा दें नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कुछ नहीं होने का क्या मतलब है प्लस, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ए इंटू ए डॉट 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 कहाँ तक, एम टाइम्स कहाँ तक, एम टाइम्स, और आगे भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ए इंटू ए कहाँ तक, एम टाइम्स। और ये जो डब्बा, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगी, एन टाइम्स, कहाँ तक जाएगी, एन टाइम्स। ये जो लिखा हुआ इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर आगे के समझने में आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को, कोई भी प्रॉब्लम कैसा लग रहा हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। अति सुंदर सर, आप अति सुंदर लग रहे हैं, और उससे ज़्यादा सुंदर आपका ये क्वेश्चन लग रहा है। देखिएगा ए यहाँ पर एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है ए ही, वो भी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी भी ए ही मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी एम टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी हर जहाँ ए की ही चर्चा है, चर्चा किसकी है, सिर्फ ए की, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ए यहाँ पे एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ए, वो कितनी टाइम्स, एम टाइम्स, यानी एम ए यहाँ पे एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, फिर अभी ए मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, यानी ए यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 2m टाइम्स, और ए यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स, ए यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम्स, ए यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स, ए यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, एन एम टाइम्स, यानी ए इंटू ए। बात समझ में आ गई, जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार रिमाइंड करके देखेंगे, ए कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एन एम टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, या एम एन टाइम्स लिख दीजिए या एन एम टाइम्स, कोई फर्क पड़ता नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर एम एन। बात समझ में आ गई। ऐसी अगर आप ए की पावर एन मान लेते हैं तो ये बात क्लियर है, ठीक है। एन टाइम्स यहाँ पे 1n टाइम्स, यहाँ पे 2n टाइम्स, यहाँ पे 3n टाइम्स, यहाँ पे mn टाइम्स, ठीक हो गया। कोई बात, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को क्या लग रही है, क्या फिर से बताने की कोई ज़रूरत है, फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ए यहाँ पे m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यानी m बार मल्टीप्लाई हुआ, m अब a अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा, वो भी m बार फिर मल्टीप्लाई हुआ, यानी a 2m बार मल्टीप्लाई हुआ, ए 3m बार मल्टीप्लाई हुआ, ए 4m बार मल्टीप्लाई हुआ, और ए nm बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी ए nm बार मल्टीप्लाई या mn बार मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख लीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए की पावर nm भी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे ए की पावर n होल पावर m भी लिख दे रहे हैं। या आप अपने से प्रूफ करिएगा, ऐसी प्रूफ है ये, आप अपने से भी प्रूफ कर सकते हैं, इसके इक्वल ही आएगा। चलिए नेक्स्ट,
जब कोई अपना धोखा देता है ना तो क्या होता है? सर आप रोइए नहीं, विश्वास रखिए जो अपने, कैसे विश्वास करें अंजलि, कैसे विश्वास करें? बस हो गया, ओ नो ओ नो, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता। फोर्थ लॉ क्या है? ए बी की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ये बट जाता है। क्या हो जाता है? बट जाता है कि ए बी की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ऐसे रूट में भी होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। ये हम सारी बातें जो अंडर रूट की कुछ बातें हैं वो रैशनलाइजेशन में भी डिस्कस होंगी, ठीक है। जब हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन परिमेयकरण पढ़ेंगे, तब वहाँ पे अंडर रूट की बात बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर भी। खैर प्रूफ करते हैं, नहीं तो आप लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ए बी की पावर एन का मतलब क्या हुआ कि ए बी कितनी पर टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है एन टाइम्स। कहाँ तक? एन टाइम्स। ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी के बीच में यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यानी ए और बी सब मल्टीप्लाई और सब कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ए इंटू बी इंचू ए इंचू बी इंचू ए इंचू बी, ऐसे हैं, ठीक, ऐसे हैं, ये जी ऐसे ही लिखी हुई है। यानी ए भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? एन टाइम्स। और बी भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? एन टाइम्स। यानी ए की पावर एन, ए बी एन टाइम्स, बी बी एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको अलग अलग लिख ली, ए को साथ में ले लिए। अरे भैया मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो राजा लोग हैं ना, वो सब नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ए इंटू है इंटू है ए कहाँ तक एंड टाइम एंड टाइम और फिर ए बी है बी इंटू बी इंटू बी कहाँ तक एंड टाइम्स। अब तो समझ में आ रहा है? अब भी नहीं समझ में आएगा तो आपकी कोई खैरियत नहीं है। ए की पावर एन और बी की पावर एन, देख लीजिए कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पकड़ने से तुम छोड़ देंगे हम। फिफ्थ लॉ क्या है? फिफ्थ लॉ वो है ए अपॉन बी की होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। ऐसा रेशनलाइजेशन में भी होगा कि ए अंडर रूट ऑफ ए बी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी। वो यहाँ से भी प्रूव्ड है, ठीक है, कि एन 1/2 हो जाएगा। खैर उसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। एंड बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। बी ज़ीरो हो जाएगा, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, या आप निकाल उकाल नहीं पाएंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। प्रूफ, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं आपके लिए,
ये तो फिर आप कहेंगे ये दोनों के बीच में क्या है, क्या है इन दोनों के बीच में, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, ठीक, कहाँ तक, एन तक, कहाँ तक, एन टाइम्स, कहाँ तक, एन टाइम्स। आप कर लीजिए, ब्रैकेट को हटाइए, एक एक स्टेप हमें आप लोगों के लिए ही लिखना पड़ता है, एक एक स्टेप हमें आप लोगों के लिए ही लिखना पड़ता है, लिए ही लिखना पड़ता है। ये क्या हो गया, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, कहाँ तक, एन टाइम्स, नीचे वाले बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहाँ तक, एन टाइम्स। तो ये क्या हो गया, झुक झुक के पढ़ा रहे हैं सर जी, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, ठीक है, और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कितने भी लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट डिस्कस किए गए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत बता देंगे, ठीक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।